इसमें एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, डाइस प्रॉब्लम। आखिर ये डाइस प्रॉब्लम होते क्या हैं? जी, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर एक डाइस है तो डाइस प्रॉब्लम में जो हमारा टोटल आउटकम होता है 6n। अगर एक डाइस है तो 6n। अब ये टोटल आउटकम क्या है, यानी वो चीज जिससे हमें डिवाइड करना है। भाई अगर एक क्लास में हम कहते हैं 20 बच्चे इंजीनियरिंग के, 10 बच्चे बी कैट के, टीचर को एक सिलेक्ट करना है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 20 और 10 30। अगर ई कैट की बात कर रहे हैं तो ऊपर 20 आ जाएगा, बी कैट की कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा। डाइस प्रॉब्लम में टोटल आउटपुट होता है हमेशा 6, क्योंकि डाइस के सिरे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब भी सवाल आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन सिंगल डाइस इज थ्रो, चाहे वो आए कि ऑड नंबर निकालना है, इवन नंबर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, कंपोजिट नंबर निकालना है, इंटीजर निकालना है, डिवाइड हमेशा इस सूरत में किससे करेंगे, 6 से करेंगे। ये बढ़िया।